भैया जिताएंगे मोदी को, लेकिन मोदी का जो सीट 400 पार है उसको 400 पार करेंगे ना, तो वहाँ का कैंडिडेट को जिताएंगे तब ना मोदी 400 लाएगा। पता है कि मोदी जी बहुमत में है, सबको पता है। तो अब मोदी जी का ये कहना है कि 400 पार, तो 400 पार वो इसलिए कह रहे हैं कि हमको बहुमत में लाइए, हम दो तिहाई हमारा राज्यसभा में रहेगा तो हम कानून बनाएंगे। तो क्या इस पे जनता को भरोसा है, हम ये जाने को? जनता को भरोसा है, लेकिन कुछ बिचौलिया लोग जो है मोदी जी के बारे में बोलता है 400 पार करेंगे, लेकिन उसका कैंडिडेट को तो जिताना होगा तब ना 400 पार होगा। कैसे होगा ये? भैया कह रहे हैं कि मोदी जी का खा रहा है, मोदी जी का 15-10 साल से मोदी जी का खा रहा है राशन, लेकिन गा रहा है किसी और का, तो कहाँ से होगा विकास? आपको मिलता है? हाँ मिल रहा है, हम उसका एकदम खा रहे हैं राशन, तब बोल रहे हैं ना। क्या नाम हुआ? एकदम खा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार शाह हुआ। शाह जी? हाँ जी। हाँ जी, गुलाब बाग घर है। गुलाब बाग घर है एकदम। यहाँ पे जितना पब्लिक है ना सब खा रहा है मोदी जी का, लेकिन गा रहा है किसी और का, ये कह रहे हैं हम। एक चीज हो सकता जी का क्या चाहिए, अब उसके घर में पहुंचा देगा? हो सकता है कैंडिडेट से नाराज पहुंचा देगा। कैंडिडेट से नाराज? कैंडिडेट से क्या नाराजगी चाहिए? कैंडिडेट दिया, विश्वविद्यालय बना दिया, उसका बाल बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय में, पूछिए। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है 8,500 देंगे, क्या राहुल गांधी देगा? इससे पहले तो कांग्रेस का सरकार था, हमारा बाप दादा तो उसी का सरकार में था, कहाँ मिल गया क्या चीज? बोलिए बोलिए बोलिए, जनता बोलेगा। के अनुसार से आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा विकास का था, विकास हो रहा है और इस बार भी विकास बहुत बढ़िया से हो रहा है। अभी गुलाब बाग मंडी बन रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा बन रहा है ना, क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या उसमें अच्छे लोगों का मेडिकल का सभी आदमी विद्यार्थी पढ़ेगा ना वो मेडिकल कॉलेज में? क्या विदेश से आके पढ़ेगा, क्या बिहार का बच्चा पूर्णिया का बच्चा पढ़ेगा? आप 400 पार वाला नारा के साथ है क्या? हाँ एकदम साथ है, मोदी जी के साथ भी है, मोदी जी का कैंडिडेट के साथ भी है, जिताएंगे उसी को। मतलब मोदी जी को देख के मतदान कर देना? हाँ एकदम, और यहाँ का कैंडिडेट को भी देख के मतदान करेंगे। कैंडिडेट बढ़िया है। कैसे बढ़िया? कैसे बढ़िया, आप क्या चाहिए हमें कैंडिडेट से? कैंडिडेट जो है विश्वविद्यालय बना दिया, पढ़ेगा ना बच्चा वहाँ, मेडिकल कॉलेज बन गया, आप क्या चाहिए? पासपोर्ट ऑफिस बन गया, आप क्या चाहिए? सड़क अच्छा बन गया, और क्या चाहिए बोलिए? विकास हुआ है, एकदम विकास हुआ है, लोगों के आँखों पे जो है ना काला चश्मा नहीं टीना वाला चश्मा लगा हुआ है, इसी कारण से लोगों को दिख नहीं रहा है। आपके चश्मे आपके आँख पे क्यों नहीं लगा? मेरे आँख पे इसी नहीं लगा क्योंकि मैं पूर्णिया का दौरा करता हूँ, मैं पूर्णिया किसी न किसी काम से जाता हूँ जो कि देखने के लिए मिलता है, अब क्या देखेंगे बताइए? हुआ है एकदम, पूरा बदलाव हुआ है। तीसरी बार कौन? संतोष कुशवाहा एकदम। देश में मोदी जी के वो साथ हैं तो संतोष कुशवाहा को भी लाएंगे, वही मेरा कैंडिडेट बढ़िया रहेगा और वही जीतेगा। अभी एकदम बहुत 400 लाख पार रहेगा इस बार संतोष कुशवाहा जी का, देख लीजिएगा। अच्छी मुझे बताइए मोदी जी का तीन काम बता सकते हैं? तीन काम मोदी जी का, अभी देखिए राशन फ्री दे रहा है, ठीक है, अभी राशन फ्री दे रहा है, अभी जो है बीमा जो भी है लोगों का हो रहा है बहुत कम में, आयुष्मान योजना हो रहा है, डॉक्टर के तरफ से फ्री सेवा हो रहा है, और क्या चाहिए हम लोगों को? सही से सब ये काम, अभी हम मजदूरी रोड पे फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे दुकान, हाँ सही से कमाते हैं, 10% पहले कमाते थे ना, सुनते थे डर से जाना, अभी बढ़िया से कमाते हैं, अच्छा से घर जाते हैं, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना मिला, और क्या चाहिए? फुटपाथ पे दुकान लगा करके भी मोदी जी से संतुष्ट है? हाँ एकदम। महंगाई क्या, तभी लोग 500 रुपया कमाता था तो डरता था, अभी अगर वो नहीं देख रहा है कि मेरा जमीन 5 लाख का 50 लाख का हुआ, उन्हें देख रहा है महंगा हो गया, 1200 रुपया सिलेंडर हो गया, ये देख रहा है, और साले तुम जहाँ जमीन ले आया है वो जमीन 5 रुपया का जमीन तुम्हारा 50 लाख का हुआ, उन्हें बोलते हैं महंगा हो गया, बेचो 5 लाख में, बेचेगा हम कर देंगे बोलो। मोदी जी देश बेच दे रहे हैं? देश बेच रहा है नहीं, मोदी जी का बात उसको बुरा लग रहा है जो बोल रहा है देश बेच रहा है, कुछ नहीं एक आम काम करके भी खुश हैं? एकदम खुश है पूरा, कभी नाराज हो ही नहीं सकता, जो मोदी से नाराज हो जाएगा ना वो सबसे नाराज हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, विपक्ष पूरा एकजुट हुआ हराने के लिए? होने दीजिए, उसका तो खुद नहीं यहाँ मन रहा है, अभी पप्पू यादव को ले लीजिए ना, पप्पू यादव RJD का आदमी बन गया, कांग्रेस का आदमी बना, ठीक है, अब RJD वाला भी नहीं सुन रहा है, और
इधर कांग्रेस नहीं सुन रहा है, वो अपने झोला लेके अलग ढूंढ रहा है कि कहीं मेरा जीतेगा तो फिर मोदी जी के पास जाएगा। कौन जाएगा? लोग बोल रहा है जो जीतेगा तो नहीं है, उसका झोला हमेशा खाली रहेगा। वो तो कह रहा है, अभी भी परसों इंटरव्यू दिए, आज वो कह रहा है कि हमारा विचारधारा कांग्रेस का ही है। आज से 6 महीना पहले चल जाइए, पप्पू यादव कहाँ था? अपना पार्टी में था। कहाँ जनता के बीच घूर रहा था? आज वोट लेने के लिए घूर रहा है? तो जनता के बीच में घूमता है, कोरोना काल में ही मदद किए। कोरोना काल में रुपया बांट रहा था, वही रुपया जो पहले 3 बार जीता था ना, जो पैसा रखा था पैकेट में घुसा कर, वही रुपया बांट रहा है वो। अच्छा, एकदम नेता लोग कह रहा है भैया कि इस बार तो जो विपक्ष में और सब लोग है वो सब आपराधिक छवि के लोग है, अजीत सरकार का मामला आ जा रहा है सामने। अगर हम यहाँ पे मिर्ची जलाएंगे तो धुआं होगा ही, जब तक गलत किए न है, जब तक गलत किए नहीं तो कैसे लोग बोल रहा है? सीधी बात, ठीक है, गलत किए हैं तो इसलिए लोग बोल रहा है। पप्पू यादव का भी अभी भी देखिए, यहाँ से कोई जीतने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे हवा बहा है, हवा है, ये लोग जिसका खाता वही गाता है, जो काम पे देखेगा ना, जो काम विकास देखेगा लोग वही वोट करेगा सर जी, यही बात है, क्योंकि वोट विकास पे लोग करेगा ना कि जुमलेबाजी पे। लोग जो है अभी के डेट में देख लीजिए, पूर्णिया में हम पढ़े लिखे हैं सर, ठीक है, पढ़े लिखे भी हैं, हम पढ़े हैं, तक पढ़े हैं, अभी बीकॉम किए हैं, हमको ये नहीं है कि बेरोजगार मूर्ख आदमी, तुम काम करो, काम करके हम 2000 टका कमा लेते हैं, और क्या चाहिए। अब लोग रोज काम खोजता है, कहाँ काम है, कहाँ, आइए चौक पे देखिए, यहाँ पे सुबह में लोग आता है 400 रुपया कमा के जाता है, 450 रुपया, सर 600 टका लेबर कमाता है, और क्या चाहिए। अब बोलेगा महंगाई, यहाँ ये भी देखना होगा, अगर लोग बोल रहा है महंगाई, तुम्हारा जमीन भी तो महंगा है, काहे नहीं बोलता है कि महंगा हो गया जमीन, सस्ता में बेचे। विपक्ष कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो देश का संविधान ही बदल देंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ऐसा बात रहता भीमराव अम्बेडकर साहब जो है वो संविधान बनाया है, ठीक है, उनके संविधान पे ही सब काम हो रहा है, बस उस संविधान को लोग को आज बताया जा रहा है।